नमस्कार, आइए आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली एल्डिहाइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है, और एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रुप जो होता है उसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप पोलराइजेशन के बाद कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के साथ में बॉन्ड बना करके इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें पहला एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड देन एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इज ऑब्टेन। तो ये जो CN ग्रुप है ये कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेता है, और इस प्रकार से एक एडिशन कंपाउंड बनता है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सेकंड है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन एडिशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ये CH3 और MgBr किस ढंग से अटैच हुए हैं। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पर इस ढंग से इस ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो रहा है OMGBr ग्रुप का, तो MgBrOH और इथाइल एल्कोहल आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। लेकिन जब फॉर्मेल्डिहाइड की स्थान पर हम यहाँ एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके इस टाइप से एक प्रोडक्ट बना रहा है एडिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस के बाद फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनेगा और MgBrOH निकल जाएगा, और यही रिएक्शन जब एसीटोन के साथ होगी तो पहले वही एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और फिर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ आप जो एडिशन प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें इस कार्बोनिल ग्रुप पर CH3 और MgBr इस ढंग से अटैच कर हो रहे हैं, और फिर जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, MgBrOH अलग बन जाता है और ये OH वहाँ पे जुड़ जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो उनको प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, जब एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है, और जब एसीटोन के साथ रिएक्शन होती है तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल मिलता है। तो ये आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देखे। थैंक यू।